तप कल्याणक का है। कल्याणक किसको कहते हैं? कि जो कल्याण में निमित्त हो, जीव के कल्याण में जो निमित्त होता है उसको कल्याणक कहने में आता है। और ये पंच कल्याणक क्या है कि तीर्थंकर भगवान है, उसका समग्र जीवन कल्याणमय होता है, तो भी जो पांच प्रसंग है भगवान का उसको मनाया जाता है, गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान और मोक्ष। ये पांच प्रसंग को ये पंच कल्याणक कहने में आता है। और ये कल्याणक किसके लिए होता है, ये पंच कल्याणक क्यों हुए? तो पंच कल्याणक ये निश्चय से तो अपना आत्मा के वितराग भावों की प्रगटता करना, वही वास्तव में है। और जो भगवान की प्रतिमा होती है वो पहले तो वो आरस की होती है, पत्थर की होती है, लेकिन उसमें मंत्र तंत्र, मंत्र विधान विधि पूजन आदि द्वारा ये भगवान में ये प्राणों का आरोपण करने में आता है। इसलिए वो मूर्ति है वो साक्षात भगवान बन जाती है। और ये जो पंच कल्याणक है वो वास्तव में आत्मा के लिए ये वैराग्य का कारण होता है, आत्महित के लिए उत्कृष्ट निमित्त है। और उसका ध्येय हमें भी, हम जो पंच कल्याणक में आए हैं तो उसका ध्येय हमारा आत्मा का हित कैसे होए, हमारा आत्मा का कल्याण कैसे होए, उसको लक्ष्य में रखते हुए रखना चाहिए। आज का दिवस है वो दीक्षा वन का दिवस है। शांतिनाथ चक्रवर्ती अपना चक्रवर्ती पद छोड़कर ये मुनि दीक्षा धारण करते हैं, अपना आत्मा की साधना के लिए ये समग्र चक्रवर्ती पद छोड़कर ये वन जंगल में नग्न दिगंबर दशा धारण करके अपना आत्मा का हित करता है। तो आज का दिन है वो वैराग्य का दिन है। हमें भी ये वैराग्य हमारे में उत्पन्न करने का यह प्रसंग है। भगवान ने तो वैराग्य आया, उसने तो दीक्षा ले ली, लेकिन हमें भी ये कार्य करना है। पूज्य गुरुदेव और माता जी ने हमें बहुत बताया है, वर्षों तक पूज्य गुरुदेव श्री का, माता जी का उपदेश हमें प्राप्त हुआ है, वो हमारा महाभाग्य की बात है। क्योंकि वर्तमान या पंचम काल में ये गुरुदेव तीर्थंकर भगवान का द्रव्य मिलना वो महादुर्लभ वस्तु है। और माता जी है वो गंधर्व का जीव है, वो तीर्थंकर भगवान का गंधर्व होने वाला है, तो दोनों ज्ञानी धर्मात्मा उसका अवसर हमें, उसके देशना हमें प्राप्त हुई है, तो हमारा तो महाभाग्य है। आत्महित के लिए सब अवसर आ चुका है, क्योंकि गुरुदेव का हमारा पर अनंत अनंत उपकार है। विचार करें तो जगत में बहुत से धर्म है, लेकिन कहीं भी जगह मोक्ष मार्ग की खबर नहीं, मालूम नहीं है, मोक्ष का स्वरूप का ख्याल नहीं है, सम्यक दर्शन किसको कहते हैं वो मालूम नहीं है, आत्मा शब्द भी उसे सुना नहीं है।
तो यह वास्तविक धर्म का स्वरूप जो हमें प्राप्त मिला है और रास्ता हमें मिला है वो सब ये गुरुदेव का उपकार है। आकार मासु धात्म ज्ञानी सुकानी बहु बहु दोयलो मुझे पुण्य राशि फरियो हो गुरु कान तू नाभिक मरियो। तो कि ये कार में ऐसा धर्मात्मा ये गुरुदेव जैसा धर्म पिता मिला वो हमारा महाभाग्य है। उसका उपदेश मिला साक्षात देशना लब्धि मिली हमें, तो इससे हमारा आत्मा का कल्याण हो सके ऐसा निमित्त हमें मिला है। लेकिन ये जो वैराग्य की प्राप्ति होनी चाहिए वो होती नहीं है, और अगर होती है तो ये कुछ समय में लुप्त हो जाती है। तो ये जो मार्ग बताया है महान उपकार है, अनंत अनंत उपकार है। ये ज्ञानी धर्मात्मा जो मिला हमें गुरुदेव माता जी, उसका अनंत अनंत उपकार है। गुरु राजे करियो उपकार राखी नहीं खामी रे आप आमर पर करुणा अति बरसावीर। तो गुरुदेव माता जी का अनंत अनंत जो उपकार है उसको लक्ष्य में लेकर हमें आत्मा का हित करना है, आत्मा कल्याण के लिए है। ये मनुष्य बहु जो मिला है उसका उपयोग हमारा आत्मा के हित के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये पंचम काल है और उसमें भी हुंडाव स्वर्णी काल चल रहा है। तो ऐसा निकृष्ट काल में भी हमें भावी तीर्थंकर और भावी गंधर्व भगवान की देशना हमें मिली है, तो उसका लिए हमारा से ज़्यादा उसका ज़्यादा भाग्य क्या होता हो सकता है। तो ये मनुष्य बहु का उपयोग भगवान ने आज वैराग्य प्राप्त हुआ, शांतिनाथ भगवान को वैराग्य हुआ ना आज, और चक्रवर्ती पद छोड़कर वो दीक्षा लेकर वन जंगल में चले गए आत्मा की साधना करते हैं। तो ये हमारे लिए ये आदर्श है, अनुकरणीय है। तो हमें भी ऐसा वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मनुष्य बहु असंख्यात कल्प काल में कदाचित प्राप्त होता है, अगर नहीं भी होता है बहुत दुर्लभ है। ये मनुष्य बहु अतिशय दुर्लभ है। शास्त्र में और खासकर श्रीमद् राजचंद्र जी ने ये मोक्ष माला में ऐसा बताया है कि मनुष्य जीवन की एक पल भी व्यर्थ गुमाना वो एक भव गुमा देना बराबर है। मनुष्य जीवन की एक क्षण भी व्यर्थ खोना वो एक भव खोना बराबर है। और आगे ऐसा लिखा है कि ये बात तत्व दृष्टि से सिद्ध हुई है। श्रीमद् जी ऐसा कहता है, मैं नहीं कहता कि मनुष्य जीवन की एक पल व्यर्थ गुमाना वो एक भव गुमाना बराबर है। वो अनंता तीर्थंकर भगवान को की परिपाटी में ये बात आई है। और श्रीमद् जी ने दूसरी जगह ये भी बताया है कि चक्रवर्ती नी समस्त संपदा करता पण जेनो समय मात्र विशेष मूल्यवान छे एवो आ मनुष्य देह ने परमार्थ ने अनुकूल एवा योग संप्राप्त होवा छता जो जन्म मरण थी रहित एवा परम पद नु ध्यान न रह्यो तो आ मनुष्यत्व ने अधिष्ठित एवा आत्मा ने अनंत अनंत वार धिकारो। कैसा मनुष्य बहु और आत्महित के लिए उत्कृष्ट संयोग हमें मिला है, ऐसा अवसर मिला है, तो उसका उपयोग हमें आत्महित में लगाना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य बहु दुर्लभ है न, बहुत दुर्लभ है। ऐसा आता है
कि मनुष्य का एक भव करने के लिए नारकी का असंख्यात भव करना पड़ता है, नारकी को एक भव करने के लिए इसके असंख्यात गुणा देव का भव करता है, और देव का एक भव करने के लिए इसके असंख्यात गुणा ये तिरियंश का भव करना पड़ता है, अनंत गुणा तिरियंश का भव होता है। એટલે મનુષ્ય કા એક ભવ કબ મિલતા હૈ કે નારકી કા અસંખ્યાત ઇસસે અસંખ્યાત ગુણા દેવ કા ઓર ઇસસે અનંત ગુણા તિર્યંશ કા ભવ હોતા હૈ તબ મનુષ્ય કા એક ભવ પ્રાપ્ત હોતા હૈ ઓર શાસ્ત્ર મે જો પંચ પરાવર્તન કી બાત આતી હૈ કે પંચ પરાવર્તન મે જીવ અનંત અનંત કાળ સે એ રખડપટ્ટી કર રહે હૈ। तो जो जीव आता है वो निगोद में से आता है, नित्य निगोद में से बाहर निकल कर वो त्रस पर्याय में आते हैं। त्रस पर्याय किसको कहते हैं कि दो इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय सुधी का जो जीव है उसको त्रस कहते हैं। तो निगोद में से जीव बाहर निकलता है और त्रस पर्याय में आता है, तो त्रस पर्याय में रहने का काल कितना है तो कि 2000 सागरोपम, उत्कृष्ट 2000 सागरोपम काल वो त्रस पर्याय में रहते हैं, जो कि 6 ढाड़ा में पंडित दौलत राम जी ने तो ऐसा बताया है कि निगोद में से निकलना और त्रस पर्याय प्राप्त करना वो भी चिंतामणि रत्न समान है, क्योंकि निगोद में अनंत अनंत जीव है, अनंत जीव है। एक आलू की सुई जितनी कटकी में असंख्य शरीर और एक शरीर में अनंत जीव है, आखा लोक में सूक्ष्म निगोद का जीव भरा हुआ है, अनंत अनंत जीव है, उसके कोई हिसाब नहीं, इतना जीव है। तो ये निगोद में से, नित्य निगोद में से 6 महीने ने 8 समय में 608 जीव बाहर निकलता है। तो विचार करो तो कि निगोद में से निकल कर त्रस पर्याय प्राप्त करना वो भी अत्यंत दुर्लभ है, और त्रस पर्याय में वो 2000 सागरोपम का काल रहते हैं। 2000 सागरोपम का काल भी असंख्यात वर्ष होता है, तो 2000 सागरोपम का जो काल है उसमें मनुष्य का मैक्सिमम 16 भव मिलता है, उसमें 8 पुरुष और 8 स्त्री का भव, वैसे 48 भव है पर्याप्त और अपर्याप्त वो हिसाब से, लेकिन सम्यक दर्शन के लिए जो कार्यकारी है वो तो केवल 16 भव ही मिलते हैं। और 16 भव में जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो वो जीव नियम से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, और अगर 16 भव में सम्यक दर्शन प्राप्त न किया तो वो जीव नियम से एकेंद्रीय पर्याय में निगोद में चला जाता है और वहाँ अनंत अनंत काल तक रहता है। तो विचार करें कि 2000 सागरोपम में असंख्यात वर्ष चले जाते हैं, तो ये 2000 सागरोपम में 16 भव ही मिलता है, और ये 16 भवों में भी आर्य क्षेत्र, ये सम्यक दर्शन के लिए आर्य क्षेत्र जरूरी है, कर्म भूमि उसकी प्राप्ति होना वो भी जरूरी है, पछी लंबा आयुष्य 8 वर्ष की उम्र होती है तो उसके बाद सम्यक दर्शन होता है, तो लंबा आयुष्य होना जरूरी है, उत्तम बुद्धि, उत्तम कूर, पुण्य का उदय, बुद्धि का क्षयोक्षम, पर्याय स्वभाव में योग्यता, ये जैन धर्म की प्राप्ति, वितरागी देव गुरु शास्त्र की प्राप्ति, और उसमें भी ज्ञानी धर्मात्मा की देशना, तो कि ये सब मिलना उत्तरोत्तर दुर्लभ है, अतिशय दुर्लभ है। और विचार करें तो ये सब हमको मिल गया है, वैसे तो निगोद में से त्रस पर्याय एक अरसिया का जीव जो मिला ने, दो इंद्री का जीव हुआ ने, तो भी वो धन्यवाद के पात्र होता है, वो भी वो भाग्यशाली है कि दो इंद्रिय वाला जीव हुआ, त्रस पर्याय में आ गया। तो हमें तो पंच इंद्रिय मन की पूर्णता मिली, ये लंबा आयुष्य मिला, कर्मभूमि आर्य क्षेत्र, पुण्य का उदय, बुद्धि का क्षयोक्षम,
ए जैन धर्म ऊंचा कुल ए पर्याय स्वभाव में योग्यता ये सब संयोगों हमें मिल चुका है। तो ये जो संयोग मिला है तो उसके लिए हमें आत्महित के उसका उपाय करना चाहिए। आज दीक्षा कल्याण का दिवस है ना, वैराग्य का दिवस है, तो हमें में वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। और विचार करो कि 2000 सागरोपम के काल में अगर सम्यक दर्शन न हुआ तो जीव नियम से निगोद में चला जाता है, और निगोद में रहने का काल कितना है तो कि अनंत काल होता है। और निगोद का दुख कितना है तो कि जगत में जितना प्राणी है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय सुधी का जो जीव है वो सब में सबसे दुखी मां दुखी जीव है तो निगोद का जीव है। सातवीं नरक के नारकी से भी असंख्यात गुणा ये दुखी जीव निगोद का होता है। और वहाँ रहने का काल कितना बताया तो कि अनंत काल। ये शास्त्र में आता है कि नरक का भी ऐसा दुख है कि उसका वर्णन जो किया जाए तो आँख में से पानी निकल जाए, उसका दुख भी सुना नहीं जाता। ऐसा नरक का ऐसा दुख है तो नरक से असंख्यात घना दुख वो निगोद में एकेंद्रीय पर्याय में है। और वहाँ रहने का काल कितना बताया तो कि अनंत काल होता है। एक बार जीव निगोद में चला गया, आत्महित का उपाय न किया और निगोद में गया तो वहाँ रहने का काल अनंत 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 काल होता है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडल मल जी साहेब बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत आश्चर्य प्रमाण ऐसी बात बताई है। उसमें टोडल मल जी साहेब ने ऐसा लिखा है कि त्रस पर्याय में से जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करता है तो वो जीव नियम से इतर निगोद में चला जाता है। और इतर निगोद में रहने का उत्कृष्ट कार अधिप उद्गल परावर्तन बताया है मोक्षमार्ग प्रकाशक में, अधिप उद्गल परावर्तन। और आगे ऐसा लिखा है कि कई बार ऐसा होता है कि इतर निगोद से वो जीव स्थावर में आता है, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति, वहाँ भी असंख्यात काल रहते हैं, अनंत काल रहते हैं, और वहाँ से भी फिर वापस निगोद में चला जाता है। तो ऐसे एकेंद्रीय पर्याय में रहने का काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन, असंख्यात पुद्गल परावर्तन एकेंद्रीय पर्याय में निगोद में जीव रहता है। तो विचार करें कि निगोद का दुख कितना है, एक श्वासोश्वास में 17-18 बार जन्म मरण करता है। और उसका दुख का वर्णन कोई कर नहीं सकता है, केवड़ी भगवान उसका दुख गाने, ऐसा दुख है। और ये दुख हम भोगते आए हैं, और अगर ये सम्यक दर्शन नहीं किया तो हमें भी ये दुख अवश्य पड़े, ये निगोद में जाना ही होगा, उसका कोई उपाय नहीं है। तो हमें जो मार्ग बताया है गुरुदेव ने, माताजी ने, दोनों ज्ञानी धर्मात्मा का हमारा पर अनंत अनंत उपकार है। और ये उपकार का प्रति उपकार करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, वास्तव में उसका प्रति उपकार वही है कि हम जो गुरुदेव ने माताजी ने मार्ग बताया है वो मार्ग हम आगर चले। सू प्रभु चरण क ने धरू आत्मा थी सौ हीन, ते तो प्रभु ये आपियो वर्तु चरणाधीन। तो गुरुदेव ने जो मार्ग बताया, जो उपकार किया है, वो उसका सच्चा प्रति उपकार तो वही होता है कि वो मार्ग पर हम चलकर हमारा आत्मा का कल्याण करें। तो ऐसा अवसर मिला है तो हमारा जीवन धर्ममय बने, ये संसार से विरक्त हुए, वैराग्य प्राप्त हुए और आत्महित के लिए हमारा अवसर का जो प्रयोजन है वो सफल हुए,
ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा जीवन संसार में चला जाता है, वर्षों ना वर्षों तक हम वैसे देखे तो अनंत काल हमारा संसार में पसार हो चुका है। तो ये मनुष्य भव मिला है उसका उपयोग के लिए हुए वही हित रूप है। संसार में से निवृत्ति लेकर आत्मा के लिए प्रवृत्ति करना चाहिए। और गुरुदेव तो बताते थे कि प्रतिदिन 4-6 घंटे स्वाध्याय करना चाहिए, अवश्य पणे स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय के लिए अगर समय न मिले, ऐसा ज़्यादा काम हो तो काम को कम कर देना, लेकिन स्वाध्याय के लिए समय निकालना। अगर काम कम न हो सके ऐसा हो और स्वाध्याय के लिए समय न मिलता हो तो काम को छोड़ देना, लेकिन स्वाध्याय के लिए अवश्य पड़े समय निकालना चाहिए। और गुरुदेव बताते थे कि स्वाध्याय एक दिन न हुए तो अपना 20 वर्ष का युवान बेटा गुजर जाता है, और मन में जो दुख होता है ऐसा दुख हमें होना चाहिए। तो ये अवसर है ना, ये मनुष्य भव का ये अवसर आत्मकल्याण के लिए है, उसको मत चूकना चाहिए। ये तत्वज्ञान तरंगिणी में बहुत अच्छा श्लोक बताया है, उसमें ऐसा बताया है कि इस जगत में संसार के बहुत से लोग आजीविका की प्रवृत्ति में अपना समय पसार करते हैं। कई लोग ऐसा होता है जो 5 इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति भोगने के लिए अपना समय पसार करते हैं। कई लोग ऐसा होता है जो ये समाज सेवा में अपना समय पसार करते हैं। कई लोग ऐसा होता है कि जो मान सम्मान लेने में अपना समय पसार करते हैं। लेकिन बहुत ही कम जीव ऐसा होता है, इस जगत में ऐसा बहुत ही कम जीव है जो अपने आत्महित के लिए अपना समय पसार करता है, ऐसा लोग बहुत ही कम होता है। तो हमें जो मार्ग मिला है, ये माताजी ने बताया ना वचनामृत में, ये 46 नंबर का वचनामृत है, उसमें बताया कि जीवन आत्मामय करी लेऊं, उपयोग सूक्ष्म थईने कार्य न करी सकतो होय तो पण प्रतीतमां एम होय कि आ कार्य करिए ज लाभ छे ते वर्तमान पात्र छे। अने 142 नंबरना बोलमां माताजीए एम कीधुं छे कि हमेशा आत्माने उद्धव राखो, खड़ी जिज्ञासा होय एने प्रयास थया विना रहेतो नथी। तो आ काळमां आपने आ गुरुदेव मिला, माताजी मिला, आ समर्थ आचार्य देव, कुनकुंड आचार्य देव, अमृतचंद्र आचार्य देव, समन भद्र आचार्य देव, अमित गति आचार्य देव, आचार्य भगवानना सत शास्त्रो, साक्षात भगवानी वाणी, आ समयसार आदि जे शास्त्रो छे ए साक्षात भगवान की वाणी है। ए उसका एक भी गाथा हमें हृदय में जो उतर जाए तो हमारा आत्मा का कल्याण हो सकता है। ऐसा शस्त्र शास्त्र हमें मिला है, आचार्य भगवान ये भगवान का लघु नंदन है, आचार्य भगवान मुनिराज उसकी वाणी हमें प्राप्त मिली है। तो हमें कोई भी रीते हमारा आत्मा का हित के लिए प्रयास करना चाहिए। ये समय सार का 23 नंबरना कलश है, ये 23 नंबर के कलश में आचार्य देव अमृतचंद्र आचार्य देव ने ऐसा बताया है कि मरीने अथवा महाकष्ट वेठ कर भी, आचार्य देव ने ऐसा बताया, मरीने अथवा महाकष्टे पण गम्मे तेम करीने आत्मानो अनुभवी था। उसमें आचार्य देव ने ऐसा बताया कि मर कर भी अगर कहीं भी जितना भी कष्ट भुगतना पड़े तो भी आत्मा के लिए अपना प्रयत्न करना चाहिए। तो आज का जो अवसर है दीक्षा कल्याणक का, मुनिराज शांतिनाथ भगवान ये
पांचमा चक्रवर्ती, बारमा कामदेव अने सोळमा तीर्थंकर भगवान तन तन पदवी धारक ओ शांतिनाथ भगवान, वो भी अपने वैराग्य को प्राप्त होकर ये अपना चक्रवर्ती पद छोड़कर ये वन जंगल में अपनी आत्मा की साधना करते हैं। तो हमें आज जो रूढ़ा अवसर मिला है उसका उपयोग हमारा आत्मा के लिए हमें करना चाहिए। ये ऐसा अवसर फिर मिलता नहीं है। और अगर हमें सम्यक दर्शन नहीं किया तो विचार करें तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा कहाँ अवतार होगा। और ये 2000 सागरोपम का काल पूरा कर कर हम भी ये निगोद में चला जाएगा, अनंत अनंत दुख वहाँ प्राप्त करेंगे। ये गुरुदेव बताते थे, प्रवचन में आता है कि रजकर्ण तारा रखर से जेम रखरती रेत, पछी नरतन पा मीस क्या चेत न चेत चेत नर चेत। कि ऐसा मनुष्य बहु दुर्लभ मनुष्य बहु, उसकी कीमत क्यों है? हमें लगे कि यह मनुष्य बहु की कीमत दुर्लभता क्यों बताई है? तो मनुष्य बहु ये संसार का सुख भोगने के लिए नहीं है, क्योंकि मनुष्य के ज़्यादा सुख तो देवलोक में है। मनुष्य से ज़्यादा देवलोक में असंख्यात गुणा सुख होता है। तो मनुष्य की कीमत क्यों है? कि मनुष्य बहु में आत्मा का संस्कार अंदर पड़ सकता है, हो सकता है। ये मनुष्य बहु में मध्यस्थता है, अपना परिणामों में मध्यस्थता है। मनुष्य बहु में विवेक है, मनुष्य बहु में ये आत्महित माके का उसके लिए का जो उत्कृष्ट संयोग देव शास्त्र गुरु की प्राप्ति मनुष्य बहु में उत्कृष्टपणे मिलती है। और संयम दशा और चारित्र दशा भी मनुष्य बहु में ही होती है, और मोक्ष भी मनुष्य बहु में से ही प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य बहु की दुर्लभता बताई है, उसकी कीमत बताई है। तो ये ऐसा बहु हमें मिला है, ये हमारा जीवन उदासीनपणे होना चाहिए, संसार से विरक्त होना चाहिए। हम विचार करें कि माता जी का जीवन, उसके 19 साल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो उसके पहले उसका 14, 15, 16, 17 वर्ष, 18 वर्ष, उसकी जो 3-4 साल पहले की उसकी जो स्थिति थी, उसकी जो साधना और वाणी पत्र के द्वारा उसकी परिस्थिति हम देख सकते थे कि उसका जीवन में कितना वैराग्य था, संसार प्रत्येक कितनी उदासीनता था, और आत्मा की कितनी तीखी तमन्ना थी। 24 घंटे आत्मा का ही विचार, चिंतन, घोलन, अपना उपयोग आत्मा में लगाने का ही प्रयत्न करते थे, आत्मा सन्मुख अपना पुरुषार्थ प्रवर्तते थे। तो ऐसा माता जी का जो जीवन था, उसका पत्रों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है उसको उसका जीवन कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए वो माता जी का जो जीवन था, ये 15 साल, 16 साल, 17 साल की जो उसकी उम्र थी, उसकी उम्र में माता जी का जो जीवन था कितना वैराग्यमय था, संसार से कितना उदासीन था, और अपनी आत्मा की तीखी तमन्ना, उग्र रुचि। और उसके पत्र में वो लिखते हैं, ये 1989 में विक्रम संवत 89 में उसको सम्यक दर्शन हुआ, और 88 के पत्र है, उसके एक वर्ष पहला का पत्र, उसमें माता जी ऐसा लिखता है कि मैं बहुत मंद पुरुषार्थी हूँ, मेरा पुरुषार्थ मंद चल रहा है, मेरी कीमत ऊंची मत आंकना। और विचार करो कि एक वर्ष के बाद जिसको सम्यक दर्शन हुआ तो उसका पुरुषार्थ कितना जबर चल रहा होता, वो भी ऐसा बोलते कि मेरे पुरुषार्थ मंद है। तो हमें तो कुछ करते नहीं है। ये गुरुदेव, माताजी, कुंकुंड आचार्य देव,
आ समर्थ आचार्य भगवान आ भरत क्षेत्र में जो हुए, साक्षात सिमंदर भगवान के पास गए थे, 8 दिवस भगवान की वाणी सुनकर आए और गुरुदेव माताजी कुनकुंद आचार्य देव साक्षात सिमंदर तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनी थी और 100-100 इंद्रो भगवान के चरणों में वहाँ झुकते थे, उसने देखा है। स्तुति में भी आती है कि भले सो इंद्रो ना तुझ चरण मासीर नमता, भले इंद्राणी ना रतनमय स्वास्तिक बनता, नथी ये ज्ञेयो मा तुझ परिणती सन्मुख जरा, स्वरूपे डूबेला नमन तुझने जिनवरा। तो साक्षात सिमंदर भगवान, तीर्थंकर भगवान, त्रण लोक के नाथ, उसके पास कुनकुंद आचार्य देव, गुरुदेव माताजी, उसकी वाणी सुनकर हमारे उपदेश मिला। उसकी कितनी कीमत है विचार करो, हमारा कितना महाभाग्य है। वास्तव में हमें कीमत नहीं, हमें विचार नहीं किया है, हमें दुनिया का पुण्य की हमें कीमत मिलती है। हमें ऐसा कई बार ऐसा विचार आता है कि हम वड़ा प्रधान होते तो कितना अच्छा होता, रोज टीवी में हमारा चित्र आता, छापा में हमारा नाम आता है, सर्व देशों के प्रधानों हमारी पहचान करते हैं, मैं कोई मोटा कलाकार होता तो दुनिया में मेरी प्रशंसा होती, पैसा मिलता, दुनिया के सब लोग मुझे जानता है, मैं बड़ा कोई गायक होता तो दुनिया में मेरी प्रसिद्धि होती, मेरा गीत दुनिया के सब लोग सुनते थे और मेरी सब वाह वाह होती, प्रशंसा होती। तो दुनिया के ये तुच्छ पुण्य की हमें कीमत है। हमें ऐसी कभी कभी ऐसी इच्छा हो जाती है कि मैं वड़ा प्रधान बनूँ, मैं कलाकार बनूँ, मैं ऐसा बड़ा क्रिकेटर बनूँ कि दुनिया में मेरा नाम हो, ऐसी इच्छा होती है। लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं विचार आता कि हमें जो ये साचा देव शास्त्र गुरु मिला है, ये गुरुदेव मिला, कुनकुंद आचार्य देव मिला, माताजी मिला, ये साक्षात भगवान की वाणी, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, साक्षात भगवान की वाणी हमें मिली है, तो इससे ज़्यादा पुण्य हमारा कौन सा हो सकता है। जगत में ये सत्य धर्म की प्राप्ति होना वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य है। वो तो सब लौकिक पुण्य है, वो वड़ा प्रधान बने, कलाकार बने, क्रिकेटर बने, कोई महान गायक बने, वो तो एक भव पूर्ता, उसकी प्रशंसा होती है, पैसा मिलता है। लेकिन वो जीव पाप कर और नीच गति में चला जाता है। लेकिन हमें जो मार्ग मिला, हमने जो पुण्य है, साथी से पुण्य के उदय से हमें ये गुरुदेव माताजी समय सार कुनकुंद आचार्य देव ऐसा आचार्य भगवान, तो कितना आचार्य देव विचार करो, शास्त्र समन भद्र आचार्य देव, पूज्यपाद आचार्य देव, अमित गति आचार्य देव, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव, योगिंदु आचार्य देव, स्वामी कार्तिकेय कार्तिकेय आचार्य देव, कितने बड़े आचार्य भगवान, साक्षात मुनिराज भावलिंगी मुनि, उसका सत्य शास्त्र भगवान की वाणी हमें प्राप्त हुई है। और इस भव में जो हम आत्मा का कल्याण नहीं करेंगे तो इससे रूढ़ा अवसर फिर कब मिलेंगे। ऐसा अवसर अनंत अनंत काल में प्रकार पसार होने के बाद ऐसा अवसर हमें मिलता है। हम विचार करें कि ये पैसा मिले, सत्ता मिले, सुंदर रूप मिले, सत्ता मिले, रूप मिले, बड़ मिले, जगत में उसकी कीमत नहीं है। वो आत्महित का जो अवसर है, शास्त्र में भी ऐसा आता है कि परदेश चले गए जो वाहन है, जहाज है, वो वापस आता है, चली गई लक्ष्मी वापस आती है, लेकिन ये आत्महित का जो अवसर है वो कभी भी वापस आता नहीं है। तो विचार करो कि 2000 सागरोपम में हमें ये मनुष्य का 16 भव ही प्राप्त हुआ, और 16 भव में अगर आत्महित का जो प्रयास नहीं किया, आत्महित के लिए जो उपाय नहीं किया, तो हम निगोद में चले जाएंगे अनंत अनंत काल। टोडलमल जी साहेब
मोक्षमार्ग प्रकाशक में ऐसा लिखा कि निगोद में एकेंद्री पर्याय में रहने का काल असंख्यात सागरोपम नहीं, सागरोपम नहीं, असंख्यात पुद्गल परावर्तन जितना काल एक पुद्गल परावर्तन में असंख्यात 24 ही पसार हो जाती है। तो कि असंख्यात पुद्गल परावर्तन के काल तक ये जीव निगोद का दुख भोगते हैं और सातवीं नरक से भी अनंत गुना दुख और निगोद में होता है। तो विचार करो कि ये दुख हमारा जीवन में छोटा सा दुख आता है, हमारा भूतकाल हम याद करें कि भूतकाल में हमारा जीवन में भी पाप का उदय आया होगा, हमारा जीवन में भी दुख आया होगा, तो उसी समय हमारी दशा कैसी हुई थी, हम आँख में से पानी चला गया था, रो रो कर हम ऐसा हो गया था, माथा पछाड़ते थे, हम आपघात के विचार करते थे, आत्महत्या के विचार करते थे, और छोटा सा दुख भी हमें सहन नहीं होता है, तो ये निगोद का दुख, एकेंद्री पर्याय का दुख सहन कर कैसे करेंगे। तो ये अवसर मिला है, ये गुरुदेव ने जो मार्ग बताया है ये अद्भुत मार्ग है, हमारा महापुण्य है, पुण्य का उदय है कि ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा की देशना मिलना ये कोई जैसी तैसी बात नहीं है। उसकी बात भी कान में सुन जाए तो भी आत्मा का कल्याण हो सकता है। ये भगवान की प्रतिमा, ये 5 मिनट में ले लेता हूँ थोड़ा सा, ये भगवान का जो पंच कल्याणक होता है ना, भगवान का मंदिर विराजमान होता है। तो विचार करो कि जगत में भव्य जीव भी होते हैं, अभव्य भी होते हैं, और भव्य अभव्य जीव कभी मोक्ष नहीं जाते, और भव्य जीव में भी 2 प्रकार के हैं, एक भव्य जीव ऐसा है कि जो मोक्ष से जाने वाला है, और दूसरा अभव्य जीव अनंता ऐसा भी है कि जो कभी मोक्ष से जाने वाला नहीं है। तो हमें जो गुरुदेव माता जी और कुनकुन आचार्य देव हमें जो उसकी वाणी मिली है, तो निश्चित रूप से हम भव्य जीवी है, उसमें कोई शंका नहीं है। इतना ही नहीं, भव्य है इतना ही नहीं, लेकिन मोक्ष से जनाला भव्य जीव है, फिर वह निकट भव्य हो दूर भव्य हो, लेकिन सब जीव जिसने गुरुदेव माता जी की वाणी सुनी है, कुनकुन आचार्य देव का जिसने शास्त्र का पठन किया है, इसकी देशना जिसको प्राप्त हुई है, और निश्चित रूप से भव्य जीव होता है। तो ये जो पंच कल्याणक महोत्सव चल रहा है उसमें भगवान की जो प्रतिमा हम विराजमान करेंगे तो ये साक्षात भगवान, साक्षात जिन प्रतिमा जिन सारखी, ये जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा साक्षात जिनेन्द्र भगवान समान है, ये मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा है। तो हम मंदिर में सिमंदर भगवान की प्रतिमा विराजमान करेंगे, और ये विराजमान करने वाला जो बोली, जिसने बोली बनाई होगी, जिसने यह मंदिर बनाने में अपना योगदान दिया है, प्रयत्न किया है, पैसा दिया है, मेहनत की है, और हम सब लोग ये मंदिर बनाने में हमारी अनुमोदना करते ना, हम पंच कल्याणक में आए तो मंदिर की हम अनुमोदना करने आए। तो विचार करो, अंत में रयनसार शास्त्र में कुनकुन आचार्य देव ने बहुत ही अच्छा श्लोक बताया, बहुत ही अच्छा, हमारा लिए कितना महान भाग्य है। और कुनकुन आचार्य देव ने रयनसार में ऐसा बताया है कि जो जीव कुंदरू वृक्ष के पांदरा जैसे, कुंदरू वृक्ष के पत्ते जैसे जिनालय बनाते हैं, कुंदरू वृक्ष छोटा सा उसका पत्ता होता है, को कुंदरू वृक्ष का पत्ता जैसा छोटा सा जिनालय बनाते हैं और उसमें जाऊ जैसी छोटी सी प्रतिमा विराजमान करते हैं, वो जीव स्वर्ग के सुख को पाकर निश्चित रूप से मोक्ष सुख को पाता है। और दूसरा श्लोक में रयनसार में कुनकुन आचार्य देव ने ऐसा बताया है कि जो जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा विराजमान करता है, भगवान का मंदिर बनाता है, उसमें 7 स्थान बताया है कि जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा, जिनेन्द्र मंदिर, जिन पंचकल्याणक, जिनेन्द्र रथ यात्रा, जिन वाणी,
तो कि ये सात स्थानों में जो अपना योगदान देते हैं, दान देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, वो जीव नियम से मोक्ष को पाते हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें आचार्य देव ने ऐसा बताया है कि वो जीव तीर्थंकर पद पंच कल्याणक पद के प्राप्त कर, तीर्थंकर पद की प्राप्ति कर वो जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं। अरहन सार में बताया है कि जिनेंद्र भगवान की ये जौ जैसी छोटी प्रतिमा भी विराजमान करना, एक कुंदरू वृक्ष जैसा छोटा सा जिनालय भी बनाना, उसका फल ये स्वर्ग और परंपरा मोक्ष बताया है, उसका फल मोक्ष बताया है। तो मोक्ष क्यों बताया है? क्या वो पुण्य का फल? लेकिन जिनेंद्र भगवान, वितराग भगवान प्रति जिसके भावना है, जिसको आदर भाव है, जिसको वितराग भाव रुचता है, उसको पसंद होता है, उसकी भावना ऐसी है कि वो जीव भव्य है, निकट भवी है, और वो जीव नजीक के भव में अवश्य पड़े मोक्ष प्राप्त करता है। तो ये पंच कल्याणक का जो प्रसंग है, आज दीक्षा कल्याणक का प्रसंग है, हम वैराग्य प्राप्त कर हम भी आत्म कल्याण के कार्य में लगे, ऐसी भावना भाते हैं। परम कृपालु सद्गुरुदेव नु जी।